भाई घर से करना चाहता है ये वाली एक्सरसाइज जरूर ऐड ऑन करना, हो सके तो अपने फोरहेड तक लेकर। मोटिवेशन मिलता है, सीखने को मिलता है, बातें लाइफ में एक्सपीरियंस जो मिलता है, यानी कि रिस्ट से इस तरीके से हिट करना है और आपके ट्राइसेप पे एक नंबर एक्सरसाइज के। या हाय, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। तो आज करेंगे अपना कौन सा एक्सरसाइज, ट्राइसेप को ट्रेन करेंगे, फाड़ देंगे। चार एक्सरसाइज लेकर आया हूँ, बहुत अल्टीमेट और यूनिक और डिफरेंट एक्सरसाइजेज है आप लोगों के लिए। अगर आप बिगिनर हो और घर में करना चाहते हो तो भाई साहब आप लोगों के लिए तो ये अल्टीमेट एक्सरसाइज है, ऐड ऑन करना अपने रूटीन में, मज़ा आ जाएगा। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, फॉलो जरूर करना, ताकि आप लोगों को मेरे सेशंस टाइमली मिलते रहें अपनी बॉडी बनाने के लिए। तो चलो चलते हैं, हमें सिर्फ एक रॉड की जरूरत पड़ेगी और कुछ प्लेट्स की जरूरत पड़ेगी, लाइट वेट पे करके बताऊंगा, यहीं पे परफॉर्म करेंगे, चलो करके दिखाऊंगा, बने रहो मेरे व्लॉग में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। चलो तो गाइस मैट ले लेते हैं। कुछ लोग मेरे भाई ये बोल रहे थे कि भाई आप जिम में जाते हो तो हर एक चीज़ अवेलेबल होती है। भाई इतनी हाई फाई जिम नहीं है, सिंपल जिम है, दिखने में बहुत अच्छी है, वैसे तो बहुत अच्छी है, बट सिंपल और इफ़ेक्टिव एक्सरसाइजेस की मशीन्स हैं ये, जो आप लोगों को करनी भी चाहिए। बट मैंने जैसे कि बोला, रॉ एंड मिट्टी से जुड़ी हुई एक्सरसाइजेस जो होते हैं बिल्कुल सिंपल एंड बेसिक चीज़ें मुझे पसंद आती हैं, बेसिक लाइफ पसंद आती है, सिंपल है, तो एक्सरसाइज भी आप लोगों के लिए बेसिक ही बताऊंगा। तो जो मेरा भाई घर से करना चाहता है ये वाली एक्सरसाइज ज़रूर ऐड ऑन करना, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को ये एक्सरसाइज करने में गाइस, सीरियसली बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इफ़ेक्ट्स एक नंबर आएंगे आप लोगों को। चलो इस तरीके से लेट जाओ, इस तरीके से लेट जाओ, परफॉर्मेंस जो होनी चाहिए आपकी एक नंबर। तो ग्रिपिंग आपकी क्लोज रहेगी इस पर, इस तरीके से मैंने पाँच और पाँच का डंबल, पाँच और पाँच का वेट लगाया है, ताकि आप लोगों को अच्छे से परफॉर्म करके दिखा सकूँ। अगर आप हैवी वेट ले सकते हो तो हैवी वेट से परफॉर्म करना। कलाइयाँ स्ट्रेट रहेंगी, बैक साइड कर लें अपने हाथों को, और ये हो सके तो अपने फोरहेड तक लेकर स्ट्रेच करें अपने ट्राइसेप को, और यहाँ पर पंप करें, यानी कि स्क्वीज़ करें, धीरे 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 एकदम, एंड स्क्वीज डाउन 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 एंड स्क्वीज डाउन 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 एंड स्क्वीज डाउन 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 एंड स्क्वीज डाउन 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 एंड स्क्वीज। गाइस देख रहे हो, मतलब सिर्फ और सिर्फ मेरे ट्राइसेप पे इफेक्ट आया ये वाली एक्सरसाइज से। इतनी बेसिक एक्सरसाइज है गाइस के आप ब्रिक्स के हेल्प से भी ये वाली एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो अपने ट्राइसेप को ट्रेन करने के लिए। ट्राइसेप पे बहुत अच्छे इफेक्ट्स आते हैं ये वाली एक्सरसाइज करने से। क्यों? क्योंकि इस पर आपको क्या है ना, बेसिक चीज़ है, बेसिक को बनाने में ही आप लोगों को सारी चीज़ें गैदर करनी पड़ती हैं, सोचना पड़ता है, बैलेंस बनाना पड़ता है, टेक्निक बनानी पड़ती है, आपको सपोर्ट किस चीज़ से लेनी है वो बनाना पड़ता है। सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, पैर यहाँ पे ग्रिप करो, लेट जाओ, बैलेंस आपका ऑलरेडी बन गया। क्यों? क्योंकि बॉडी आपकी लेफ्ट राइट जाएगी नहीं, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस किस चीज़ का बनाना है, अपने हाथों का, एल्बो का और रिस्ट का, ये आपको बनाना आ जाए। लाइट वेट पे करो, लाइट वेट पे एक नंबर एक्सरसाइज बना लोगे आप गाइस। तो चलो ऐड ऑन करना, चलते अपनी दूसरी एक्सरसाइज पे। अब दूसरी एक्सरसाइज रहेगी वो करेंगे डंबल से, मैट की ज़रूरत है, पोजिशन सेम रहेगी, वेरिएशन सेम रहेगा, बट बैलेंसिंग जो रहेगी, एंगल जो रहेगा वो डिफरेंट होगा आपके ट्राइसेप को ट्रेन करने के लिए। तो चलो किस तरीके से रहेगा वो बताऊंगा। पहले हमने इस तरीके से लिया था अपने रॉड से, कर्ल रॉड से, इस बार हम इस तरीके से लेंगे। तो गाइज अपना जो आर्म का पोजीशन रहेगी, बैलेंस रहेगा, वो इस तरीके से रहेगा, यहाँ पर ले आए, ठीक है गाइज, यहाँ पे स्ट्रेट रहना, एकदम स्ट्रेट, कलाइयाँ एल्बो और आपका शोल्डर तक पूरा हाथ स्ट्रेट रहेगा, और यहाँ पे इस तरीके से, और डाउन लाना है तो धीरे 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 लोड लेकर लाना है यहाँ तक, और स्क्वीज यहाँ तक, कान तक लेकर आना है अपने ईयर तक, डाउन एंड स्क्वीज डाउन 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 एंड स्क्वीज डाउन 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 एंड स्क्वीज। यहाँ पे लाके स्क्वीज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, होल्ड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आप अपना हाथ यहाँ पर भी रख सकते हो यहाँ पे, ताकि आपको बैलेंस बनाने में इजी रहे। ये इस तरीके से यहाँ पर ट्विस्ट करना है, होल्ड होल्ड एंड डाउन। चलो जी, आई होप कि आप लोगों को मैंने डिटेल में ये चीज़ जो दिखाई है वो समझ में आई हो, क्योंकि
बैलेंस बनाना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वेन एवर यू आर परफॉर्मिंग एनी एक्सरसाइज इन योर रूटीन. तो जब भी आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो तो प्लीज़ ट्राई करें, बैलेंस अच्छा बने. बैलेंस अच्छा बनेगा तो आपके जो इफेक्ट्स आएंगे सिर्फ उसी मसल पे आएंगे जो आप ट्रेन करना चाहते हो. चलो फिर चलते हैं अभी तीसरी एक्सरसाइज पे, ट्राइसेप को ट्रेन करने. अपनी जो तीसरी एक्सरसाइज रहेगी थोड़ी डिफरेंट और यूनिक रहेगी. यूनिक तो नहीं है, लाखों लोग करते हैं, बताते हैं, हम कोई मतलब डिफरेंट कहीं से लेकर तो आए नहीं गए तो. बट हाँ ये है कि इसमें वेरिएशन जो रहेगा वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा और उसमें जो बैलेंस बनाने वाले जो आपकी स्ट्रेंथ लगेगी वो बहुत अच्छी होनी चाहिए. माइंड कनेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए पेन के साथ. जिस भाई ने अपना पेन के साथ कनेक्ट कर लिया अपनी एक्सरसाइज को, अपने माइंड को, वो समझो खेल गया लाइफ में. तो चलो जितने भी अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर्स हैं ना भाई साहब, कहने वाली बातें हैं कि ये सामान लेते हैं वो लेते हैं. भाई लेके देखो, मैं बता रहा हूँ लेकर देखो. कुछ हैं मेरे भाई जो मतलब लेते भी हैं, कॉम्पिटिशन्स भी खेलते हैं, पर भाई खेल के देखना मतलब उनकी जो स्ट्रगल रहती है ना, हमारे मेरी तो कोई भी कुछ भी 1% भी स्ट्रगल नहीं होती जो उन लोगों की होती है. बट ठीक है, उन लोगों को देख के भी अलग लेवल का मज़ा आता है, मोटिवेशन मिलता है, सीखने को मिलता है, बातें लाइफ में एक्सपीरियंस जो मिलता है. तो चलो अब करेंगे अपना किक बैक का एक्सरसाइज. किस तरीके से करेंगे, वेरिएशन क्या रहेगा वो मैं आपको करके बताऊंगा. 7.5 का मैंने डंबल लिया है, पोजीशन आपकी इस पे करेंगे. जिस तरीके से आप वन आर्म ड्राइंग करते हैं उसी पोजीशन में रहेंगे, बस इसमें थोड़ा सा आपको हाथ यहाँ पे स्टेबल रखना है. वही मेन मुद्दा है कि आप कैसे अपने हाथ को यहाँ पे स्टेबल रख सकते हो. चलो यहाँ पे रखना है हाथ को, गर्दन सामने, स्ट्रेट रहेगी आपकी बैक, हिप्स अप. चलो ये इस तरीके से यहाँ पे होल्ड करना है. यहाँ पे स्ट्रेच एंड होल्ड, स्ट्रेच एंड होल्ड. होल्ड रखने के लिए ना गाइस बड़े पेशेंस चाहिए. तब और यहाँ पर हिट करना अपने ट्राइसेप को. तो गाइस मैंने बोला ना होल्ड करना इसमें मेन एक्सरसाइज है, बाकी तो आपकी बैलेंसिंग बन जाएगी. 19-20 हो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो आपका हाथ यहाँ पर रहता है ना स्टेबल, वो बहुत ज़रूरी है गाइस. वो रखना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर आप थोड़ा सा भी नीचे जाओगे ना तो आपको यहाँ की जगह शोल्डर पे आना स्टार्ट हो जाएगा. बाकी ये थोड़ा सा हैवी था, बैलेंसिंग मेरी थोड़ी सी इसलिए बिगड़ी. अगर 5 के डंबल से करता तो अच्छे से ओवर बैलेंस मैं बना पाता था. बट कोई नहीं, अच्छा है. इफ़ेक्ट्स जो जहाँ पे चाहिए थे वो वहाँ की एक्सरसाइज अच्छे से परफॉर्म हुई है मेरी. आई होप कि आप लोगों को ये अच्छी आई, अच्छी लगे ये वाली एक्सरसाइज भी. चलते हैं अपनी चौथी एक्सरसाइज. तो गाइज अपनी जो चौथी एक्सरसाइज रहेगी करेंगे रोप से करेंगे. वेट मैंने इस पर 30 का लिया है, मतलब लाइट भी नहीं कह सकते हो, हैवी भी नहीं कह सकते हो. बट हाँ आप लोगों को परफॉर्म करने के लिए थोड़ा तो हैवी लेना ही पड़ेगा ताकि आप लोगों को वो चीज़ें दिखें परफॉर्मिंग करते वक्त. तो चलो ठीक है, 3 सेट लेने हैं इसके. लास्ट टाइम मैंने आपको रॉड पे बताया था, इस बार मैं आपको रोप से बताऊंगा. इसमें थोड़ा डिफरेंट वेरिएशन रहेगा, कैसे कब हिट करना है, कैसे आपको वेट करना है यानी कि होल्ड करना है, किस मसल को ज़्यादा स्ट्रेच करना है, वो चीज़ें दिखाएंगे आपको 1 by 1. चलो ग्रिपिंग इस तरीके से रहेगी, स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट रहेगी. यहाँ पे एल्बो थोड़ी सी बाहर निकाल लें इस तरीके से. चलो ये यहाँ पे आए, हिट किया आपने ट्राइसेप को, धीरे 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 लोड देके होल्ड. एंड यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे होल्ड करना है गाइस. यहाँ पे होल्ड, धीरे धीरे ब्रीद इन ब्रीद आउट जरूर रखना है. आई होप कि आप लोगों को जो एक्सरसाइज करके दिखाई मैंने वो समझ में आई, कहाँ पे होल्ड करना है. जब आप डाउन लेकर आओगे तो यहाँ पे इससे यानी कि रिस्ट से इस तरीके से हिट करना है और आपके ट्राइसेप पे 1 नंबर एक्सरसाइज के जो इफेक्ट्स आएंगे वो समझ में आएगा. हिट करना बहुत ज़रूरी है और हिट करने के बाद जस्ट 1 or 2 सेकंड के लिए होल्ड करना है उसी मसल पे, उसी पोजीशन पे, उसी मूवमेंट पे, ताकि आपको और ज़्यादा मज़ा आए और पेन हो. तो चलो ये 3 से 4 एक्सरसाइजेस थी मेरे रूटीन में ट्राइसेप के लिए.
पसंद आए, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और ऐड ऑन तो ज़रूर करना ये वाली एक्सरसाइजेज, क्योंकि मैं ऐसे सेशंस लेकर आता रहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, खाएं पिएं मौज लें, मस्त रहें, खुश रहें। चलो बाय बाय, टेक केयर।